जी ने अपनी विचार शक्ति से कहा कि इतना कर होता तो तुम जाई, सीता ही देखी कहो सुधी आई। जाइए सीता जी को देखिए और आके राम जी को बताइए। बस यहीं से श्री सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कई लोग सुंदरकांड कंठस्थ करके बैठे होंगे यहाँ पर, कई लोग नित्य पढ़ते होंगे, कई लोग साप्ताहिक पढ़ते होंगे, कई लोग मासिक पढ़ते होंगे, कई लोग यदा कदा पढ़ते ही होंगे, ठीक ना। सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज सुंदर कांड में गोस्वामी जी ने इसके पहले जितने कांड लिखे या तो स्थान प्रधान लिखे नहीं तो अवस्था प्रधान लिखे। बाल कांड अवस्था प्रधान, अयोध्या कांड स्थान प्रधान, अरण्य कांड स्थान प्रधान, किष्किंधा कांड स्थान प्रधान, लंका कांड स्थान प्रधान, उसी प्रकार उत्तर कांड मानस का उत्तर भाग लिखे। लेकिन सुंदर कांड बीच में कहां से आ गया? तो इसके भी कई भाव है। एक तरह से देखा जाए तो ये कांड भी स्थान प्रधान है। सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी भई, इसलिए गोस्वामी जी ने इसका नाम सुंदर कांड लिखा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उस पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत। दूसरा कारण महापुरुष कहते हैं, इसी कांड में पहली बार श्री हनुमान जी को मेरी मां का दर्शन प्राप्त हुआ है इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में विभीषण जी महाराज को भगवान की शरणागति प्राप्त हुई है इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में श्री हनुमान जी को पहले मेरी मां किशोरी जी ने पुत्र कहा और जब लंका से लौट कर आए तो रघुनाथ जी ने पुत्र कह दिया, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की भक्ति प्राप्त भई इसलिए सुंदर कांड है। अनेक कारण है। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे हैं और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। जामावंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय के भाए, बोले तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। कब तक? जब लगी आवो सीत ही देखी होए ही काज मोहि हरस भिसेखी, यह कही नाई सबन कहूँ माथा चले वो हरसी हिय धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ ऊपर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे, तर के पवन तनय बल भारी, तर के पवन तनय बल भारी, जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंता, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, हे ही भांति चले ओ हनुमाना, हे ही भांति चले ओ हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बेचारे, जल निधि रघुपति दूत बेचारे, कहे मैनाक हो ही ब्रह्मारे, कहे मैनाक हो ही ब्रह्मारे, मैं नाक हो ही। श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी।
कपियों से कहें कि जब तक मैं लौट करके नहीं आता हूं लंका से, आप लोग यहीं रुकिए। कष्ट होगा पता है, दुख होगा, लेकिन थोड़ा दुख सहिएगा, मेरे आने तक जाइएगा मत, हम आएंगे तो साथ में चलेंगे। क्यों? श्री हनुमान जी सोचे यदि ये लोग पहले चले जाएंगे तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगा लिया है, और जब हम पता लगा कर आएंगे साथ में जाएंगे तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिलकर के पता लगाया है। इसलिए उपलब्धि कहीं मुझे न प्राप्त हो जाए, श्री हनुमान जी उपलब्धि को बांटना चाहते हैं। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो तो उसको बांटने का स्वभाव बनाइए, भक्त का लक्षण है। श्री हनुमान जी कपियों को प्रणाम किए और दर्शन करिए, कहते हैं कि होई ही काज मोहि हरस विशेखी। हनुमान जी कहते हैं जाने से पहले मुझे विशेष हर्ष हो रहा है, इसका अर्थ है कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये प्रसंग कहता है जीवन में कोई भी व्यवहार करिए तो हर्ष के साथ करिए। कैसे करिए? हर्ष के साथ करिए। रो रो कर किए गए व्यवहार का परिणाम शत प्रतिशत होने वाला नहीं है। प्रसन्न मन से न किया जाए। कई आदमी ऐसे होते हैं उनको कोई सामान कह दीजिए लाने के लिए, ऐसा सामान उठा के ले आएंगे साहब, दुकान वाले भी उनको पहचानते हैं, वो अलग से निकाल के रखे रहते हैं कि ये आएंगे तो इन्हीं को ही दिया जाएगा। क्यों? उनका मन ही नहीं है काम करने में। हनुमान जी बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, कार्य पूर्ण होगा, आप लोग प्रतीक्षा करिए। सिंधु के किनारे सुंदर नाम के पर्वत पर श्री हनुमान जी खेल खेल में चढ़ गए। कौतुक कूद चढ़े उतार। अब देख दर्शन करिए, हनुमान जी उड़ने वाले हैं। हवाई जहाज जब उड़ता है रनवे पर से तो आपन एक साथ पूरा थ्रस्ट चालू कर देता है। हनुमान जी आपन थ्रस्ट चालू कर रहे हैं सुंदर पर्वत पर, बार बार रघुवीर संहारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तर के ऊपर तनय बल भारी। बारंबार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। कहां चल पड़े? ऊपर उड़े। अब यहां पर देखिए विज्ञान, न्यूटन ने गति के तीन सिद्धांत दिए, लॉ ऑफ मोशन। उसमें तीसरे सिद्धांत में न्यूटन कहते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हवाई जहाज जब आगे जाता है तो उतना ही फोर्स पीछे छोड़ता है। हनुमान जी महाराज ऊपर गए तो जिस वेग से ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गए। गोस्वामी जी कहते हैं चले उसो गा पाताल तुरंत। इतना फोर्स नीचे आया कि पाताल तक सब कांप गया। समुद्र नारायण ने हनुमान जी को जाते देखा तो समुद्र के अंतस्थल में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। देखिए पहले जो जहाजे अमेरिका की तरफ जाती थी, लंबी दूरी की जहाजे, तो उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि पूरा तेल भर ले, तो बीच में यूरोप में कहीं ना कहीं उतरती थी जहाजे, फिर से रिफ्यूलिंग होता था और उसके बाद फिर आगे बढ़ती थी। अब तो ऐसी ऐसी जहाजें हैं, दुनिया की सबसे लंबी जहाज है सिंगापुर से न्यूयॉर्क की, 19 घंटे की फ्लाइट है नॉन स्टॉप बिना रुके। तो यहां देखिए मैनाक को लगा कि हनुमान जी को रिफ्यूलिंग की आवश्यकता पड़ेगी, इतना दूर जा रहे हैं। समुद्र नारायण ने मैनाक से कहा कि तनिक आप समुद्र से ऊपर उठ के चले आएंगे तो हनुमान जी थोड़ी देर आप पर विश्राम कर लेंगे, थक गए होंगे। मैनाक ऊपर आए, बोले हनुमान जी से विश्राम करिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए। मैनाक बोले मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं,
हनुमान जी बोले, पिता का मित्र पिता जैसा होता है। रुकिए काका जी, हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से स्पर्श किए पुनि कीन्हा प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा रे। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हो। प्रणाम करके चले। कंपन कहां तक गई थी? पाताल तक। उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ हिलने लगा, कांपने लगा पाताल, देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। पता लगाया एक देवता ने तो कहा कि हनुमान जी जा रहे हैं लंका की ओर। देवताओं ने श्री हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा जी को भेज दिया ऊपर। किसको भेजा? सुरसा। सर्पों की मां है सुरसा। श्री हनुमान जी जा रहे हैं, सामने आके खड़ी हो गई। श्री हनुमान जी बोले, कौन हो तुम? सुरसा बोली, सुरसा हूं, देवताओं ने तुमको भोजन बना के मेरे सामने भेजा है। आज सुरन मोहि दीन आहारा, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले, थोड़ी देर भूख बर्दाश्त कर लो, बहुत जरूरी काम में जा रहा हूं। माँ की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद तब बदन पैठी हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सत्य कहूं मोहि जान दे, सही बोल रहा हूं, जाने दो मुझे। परंतु सुरसा कवने ऊ जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार से सुरसा ने जब हनुमान जी को जाने नहीं दिया तो हनुमान जी बोले, ग्रससि न मोहि कहे ओ हनुमान। बोले ठीक है, खा लो, मुख खोलो, इतने भूख लगी है तो खाओ। सुरसा ने एक योजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? एक योजन समझते हैं कितना होता है? 12 किलोमीटर। इतना लंबा शरीर बनाया सुरसा ने। हनुमान जी दुई योजन के हो गए, 24 किलोमीटर लंबे। शुरू भया खेल। योजन भरते ही बदन पसारा, योजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। सोरह जो जन मुक्ते भयो, सोरह जो जन मुक्ते भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, आसुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन आनन कीन्हा, सत्य जो जन आनन कीन्हा। पति लघु रूप पवन सुत कीन्हा, पति लघु रूप पवन। सुरसा ने एक योजन का शरीर बनाया, हनुमान जी दो योजन के हो गए। सुरसा 4 योजन की भई, हनुमान जी 8 भए। सुरसा 16 योजन, हनुमान जी 32 योजन। बढ़ते बढ़ते गोस्वामी जी कहते हैं, सुरसा ने 7 योजन ते ही आनन कीन्हा। आनन समझते हैं? आनन, आनन यानी मुख। ये जो सुरसा ने अपना मुख खोला, इसकी लंबाई थी 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी देखे 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल के खड़ी हो गई। यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई 2500 किलोमीटर हो जाएगी। तो दाहिना हाथ पहुंचेगा राम जी के पास, बायां हाथ पहुंचेगा सीता जी के पास।
फिर भगवान सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, और क्या गारंटी है कि मेरे 200 योजन होने के बाद ये 300 की नहीं होगी। एक योजन से प्रारंभ होते होते 100 योजन तक पहुंच गई, अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना, लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए, और अति लघु रूप धारण कर सुरसा मुख खोली है, उसके मुख के भीतर चले गए। अब आप कल्पना करिए यहां से 1200 किलोमीटर दूरी पर क्या होगा। हाँ? हैदराबाद, हाँ? हैदराबाद ना, ठीक अंदाज लगाया, यहां से हैदराबाद की लंबाई हो और इस बीच में इतना बड़ा कोई सामान रख दिया जाए, दिखाई पड़ेगा। 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोल के बै खड़ी है सामने हनुमान जी, छोटा रूप धारण कर लिए, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देता उसको हनुमान जी। हनुमान जी उसके भीतर चले गए। उसको पता कब चला, जब भीतर जाके हनुमान जी गदा से सब ठीक करने लगे। हाँ। हनुमान जी भीतर गए तो देखिए इसका तो लीवर फैटी हो गया है, कोलेस्ट्रॉल भी जमा हुआ है। हनुमान जी आधा घंटा थोड़ा गदा उदा भाजे, उसको लगा भीतर चला गया क्या मेरे। अब मुंह बंद करने लगी, अभी आधा बंद की थी, देखिए हवाई जहाज की स्पीड से मुंह बंद कर रही थी, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, अभी आधा बंद कर पाई थी एक घंटे में, तब तक हनुमान जी मुख से बाहर निकल गए। अब बाहर आकर बोले, आप चाहती थी कि मैं पेट में चला जाऊं, मैं पेट में जाके वापस आया हूं, अब भी मुझे आप खाओगी। सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला। सुरसा ने कहा, आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया, आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं, आशीर्वाद देती हूं आपको। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हो हनुमान। जीवन में माई बाप जब समस्याएं विकराल रूप धारण करने लगे ना सुरसा की तरह, तो अपने स्वरूप को जितना हो सके छोटा बना लीजिए, सूक्ष्म हो जाइए। जैसे हनुमान जी समस्या से बाहर निकल गए, हम और आप भी समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। समस्या ही तब जन्म लेती है जब हम बड़ा बनने का प्रयास करने लगते हैं। हम लोग पंजाब गए थे एक बार कथा गाने, तो वहां किसी ने गाकर सुनाया था, झुक के रहो क्यों, नीवा हो के चल, नीवा हो के चल, बंदया निबियानुरब है मेलदा, नीवा हो के चल बंदया निबियानुरब है मेलदा, निबियानुरब है मेलदा, निबियानुरब है मेलदा, निबियानुरब है मेलदा, निबियानुरब है नीवा हो के चल बंदया अनुरब है मेलदा, नीवा हो के चल बंदया अनुरब है मेलदा, अरे नीवा हो के चल बंदया अनुरब है मेलदा, नीवा हो के चल बंदया अनुरब है मेलदा। झुक के रहिए। हनुमान जी छोटे बने, सुरसा जो खाने आई थी आशीर्वाद देकर गई,
हनुमान जी आगे बढ़े। लंका से ठीक पहले रावण ने समुद्र में एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। ये जो राहु है ना, राहु, ये राहु की मां है सिंहिका। सिंहिका का एक ही काम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, खींच के और पानी में डुबो के मार देती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, हनुमान जी के साथ भी उसने वही छल किया। लगी परछाई पकड़ के हनुमान जी को, छाया पकड़ के खींचने। हनुमान जी मन में सोचे, तू मेरी क्या छाया खींचेगी, मैं रघुनाथ जी की छाया में चल रहा हूं और मेरी छाया कोई पकड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी पास पहुंचे, एक मुष्टिका का प्रहार किया उसके सिर पर। जय श्री राम। एक मुष्टिका में समाप्त हो गई। ताहि मारि मारुत सुत वीरा बारि धिपार गयो मलिनिया। लंका के एक पर्वत पर हनुमान जी शिखर पर चढ़े, त्रिकूट के एक कूट पर लंका को देखा। चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी ने मन में विचार किया, दिन में जाना ठीक नहीं है, रात्रि में जाऊंगा। संध्या के आगमन पर हनुमान जी बिल्ली के बच्चे जैसा आकार बनाए, छोटा आकार बनाकर मसक समान रूप कप धरे। मसक समान रूप कप धरे, लंक ही चले सुमिर न रहरे। लंक ही चले सुमिर न रहरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, सो कह चल सि मोहि निंदरे। सो कह चल सि मोहि निंदरे, जान जान ही नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार चोरा। छोटा रूप धारण करके हनुमान जी ने भगवान के नाम का स्मरण किया। यहाँ गोस्वामी जी कहते, लंक ही चले उस सुमिरी, इसके दो अर्थ हैं। एक तो नरहरि अर्थात अपने गुरु जी का स्मरण किया, प्रातः स्मरणी पूज नरहरिया दास जी महाराज, जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के सदगुरुदेव भगवान हैं, नरहरि। और दूसरा अर्थात जो हरि नर रूप में अवतार लिए हैं, अर्थात भगवान श्री राम का स्मरण करके हनुमान जी लंका में प्रवेश किए। लंका के मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को पहरे में बिठाया है जिसका नाम है, क्या नाम है? लंकिनी। मेन गेट पे बैठी है लंका के। आज की भाषा में कहें तो लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। हाँ, आप किसी भी देश में जाइए तो बॉर्डर पर जो अधिकारी बैठा रहता है, इमिग्रेशन ऑफिसर, आप सड़क मार्ग से जाइए, जल मार्ग से अथवा वायु मार्ग से, वो बॉर्डर पे आपका पासपोर्ट वीजा चेक करता है, सब सही रहा तो उसमें स्टैंप लगाता है और कहता है आप 5 महीना रहिएगा, 6 महीना रहिएगा, 3 महीना, 14 दिन, 1 महीना। उस स्टैंप पे लिखा रहता है कितने दिन रहना है, क्या क्या करना है, कहां कहां नहीं जाना है। हनुमान जी दबे पांव जा रहे थे, लंकिनी की दृष्टि पड़ गई, छुप के जा रहा है, लगता है इसके पास वीजा पासपोर्ट नहीं है, लंका में घुसपैठ करने आया है। लंकिनी हनुमान जी पर चिल्लाई, ए तट, तू जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले, किसको खाती हो? चोर को? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई, हमको खाओगी? हनुमान जी हाथ पीछे किए हुए हैं। बोली, पीछे क्या रखे हो? हनुमान जी बोले, मलदहवा आम लाया हूं। बोली, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, जो राम और आम को नहीं जानता उससे बड़ा भागा कोई नहीं हो सकता है। तुम आम को नहीं जानती? बोले, राम का नाम मत लेना यहां पर, आम क्या है? तुम लंका में आए हो, वीजा पासपोर्ट है तुम्हारे पास? हनुमान जी बोले, सब अप टू डेट है, नीचे आओ दिखाता हूं, पहले प्रसादी खाओ फिर तुमको अपना पासपोर्ट वीजा दिखाऊंगा। जैसे लंकिनी झुकी
वो स्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी, हनी मतलब धरती, जैसे झुकी हनुमान जी मुष्टिका बांधे और उसके सिर पर एक मुष्टिका, जय एक मुष्टिका मारी रुधिर बमत धरनी, खून की उल्टी करके उतनी दूर चली गई गेट के पास। डिमुलिया मारे कभी? डिमुलिया गुलाटी मारे हैं बचपन में? अभी मत मारिएगा कमर टूट जाएगा। बचपन में हम यहां से सब डिमुलिया मार लेते थे, पंडित जो भी मार लेते थे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। हाँ कोई बात नहीं, बुढ़ापा बचपन का ही रूप है। हम लोग कक्षा 9 में पढ़ते थे तो एक कहानी थी बूढ़ी काकी, शायद आप लोग भी पढ़े होंगे। उस बूढ़ी काकी कहानी का पहला वाक्य था बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। तो जो बूढ़ा है उसको बच्चे की तरह ट्रीट करिए, लेकिन आप गुलाटी मत मारिएगा पंडित जी। हनुमान जी मारे मुष्टिका लंकनी को रुधिर बमत धरनी धनमनी, हिमुलिया मार गई उतने दूर तक गई। हनुमान जी दौड़ कर गए जाकर उसको उठाए। अब पूछे हाउ वाज द टेस्ट, जो आम दिया हूं कैसा लगा, टेस्टी था? पासपोर्ट वीजा दिखाऊं? हाथ जोड़कर बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। क्यों? देखे नयना राम कर दूता, आंख से नेत्र से राम जी के दूत का दर्शन हुआ, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी दिया तब पता चला, पहले बोल दी होती? बोले नहीं नहीं, यही मुक्का पहचान पत्र था। जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, चलत बिरंच कहा मोही, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था तू लंकिनी है ना, जिस दिन किसी बानर के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे मारेगा वो कोई सामान्य वानर नहीं होगा, वो प्रभु श्री राम के दूत श्री हनुमान जी महाराज होंगे और वो तुझे मारेंगे। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी के वीजा पासपोर्ट पर स्टैंप मारा, पासपोर्ट पर स्टैंप मार के कहा प्रभसी नगर की जय, हृदय राखे कौशलपुर राजा, करल सुधार को करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाए, गरुण सुमेरु रेणु समताही, तिलघ रूप धरउ हनुमाना, तिलघ रूप धरउ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर पति कर शोधा, मंदिर मंदिर पति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयउ दशानन मंदिर माही, गयउ दशानन माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महुन देख बैदे, मंदिर महुन देख बैदे, तब तक भवन एक पुनी देख सुहावा, भवन
लंकी ने श्री हनुमान जी से कहा, प्रविश नगर की जय, सब प्रवेश करिए, जो जो करना है कर लीजिए। हनुमान जी चले हैं, चले ओ हर सिंह धरि रघुनाथ। अब यहां दर्शन करिए, लंकिनी ने कहा प्रभसि नगर की जय, सब का कैसे प्रवेश करिए। हृदय राखी कौशल पुर राजा, कौशलपुर के राजा को हृदय में धारण करके प्रवेश करिए। हनुमान जी राजा को धारण करके नहीं चले, चले ओ हरसि हिय धरि रघुनाथ। समाज में, जीवन में भटकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। ई भगवान बहुत मजबूत भगवान है, ई भगवान की सेवा करो सब मनोकामना पूरी। एक महीना किए तब तक पता चला कि वहां जाकर भभूत चढ़ाइए तो ये काम पूरा। अभी भगवान गए, वो भगवान को भभूत चढ़ाने लगे। ये जीवन ठीक नहीं है। अपने इष्ट में, अपने इष्ट के स्वरूप में निष्ठ रहने का स्वभाव बनाइए। यही श्री हनुमान जी के चरित्र का संदेश है। लंकिनी ने कहा कि हृदय राख कौशलपुर राजा, कौशलपुर के राजा का स्मरण करके जाइए। हनुमान जी कहे कौशलपुर में अनेक राजा हुए, अभी वर्तमान में राम जी हैं, उनसे पहले चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज थे, बहुत राजा हुए। हम राजा को हृदय में धारण नहीं करेंगे, हम अपने भगवान को हृदय में धारण करेंगे। चले उ हरस ही अधरि रघुनाथ। जो कह रहा है उसे कहने दीजिए, आप अपनी मस्ती में रहिए। बहुत लोग बहुत कुछ बताएंगे, ऐसा कर लीजिए तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर लीजिए ऐसा हो जाएगा, कैसा भी करिएगा कुछ नहीं होगा, होगा वही जो रघुनाथ जी चाहेंगे होना होगा। इसलिए अपनी निष्ठा बना के रखिए। अरे हम तो हमारी मस्ती में, किसी का अपमान मत करिए, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। रास्ते में जो भी मिल गया, सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया है, सिया राम की मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती। ऐलान किल में तो आकर के आजमा ले, शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले, रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं, रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, अरे हम तो हमारी, हम तो हमारी, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, और सियाराम कह दिया जो राह में मिले हम तो हमारी मस्ती में। श्री हनुमान जी महाराज ने रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके है, पैठा नगर सुमिरी भग
भगवान को हृदय में धारण करके श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। पूरी रात ढूंढते रहे, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जहां तह अगणित, पूरी रात्रि घूमते रहे, जहां जाते योद्धा दिखाई पड़ते। ढूंढते ढूंढते श्री हनुमान जी महाराज रावण के घर में गए, महल में सोया था। रावण के भोजनालय में श्री हनुमान जी गए, उसकी जूठी थाली रखी हुई थी, जो रात में भोजन करके छोड़ा था वो थाल रखी थी। थाल देखते श्री हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु निकट आ गई है। क्यों, ऐसा क्या था वो थाल में? वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, वाल्मीकि ऋषि, रावण ने थाल में दही जूठा करके छोड़ा था, और थाली में दही जूठा छोड़ने से आयु क्षीण होती है। इसलिए आप देखे होंगे बुजुर्ग लोग दही खाने के बाद कटोरी में पानी डालकर घोल कर पी जाते हैं। आज भी जो बुजुर्ग लोग हैं दही की कटोरी में पानी डाल के घोल के पी जाते हैं। रावण दही जूठा छोड़ा था, हनुमान जी समझ गए इसकी आयु क्षीण हो रही है, मरने वाला है। अब पूरी रात ढूंढते रहे, सीता जी नहीं मिली। तब तक भोर बेला में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर हनुमान जी को भोर बेला में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों है? इस घर के दीवाल पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद तह देखी हरस कबीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हैं, आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य ये भगवान के किसी भगत का घर है। देखिए घर बतावत है कि भक्त का है कि विषयी का है, क्या बताता है? घर, घर का श्रृंगार, घर का परिवेश, घर का आवेश सब परिचय देता है साहब। तुलसी जी का विरवा देखे, धनुष बाण का चिन्ह देखे, हनुमान जी समझ गए भगत हैं। लेकिन टेंशन किस बात की? लंका निसिचर निकर निवासा, इहां कहां सज्जन करबासा, अमन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हम और आप रामेश्वरम है, यहां जहां जाइए इडली डोसा वड़ा दिखाई पड़ रहा, जहां जाइए वहीं इडली वहीं डोसा, कहो वहीं वड़ा कांजी वड़ा। वहीं आप बाजार में निकली और दुकान के बाहर खूब बढ़िया सजाया हुआ पोहा दिखाई पड़ जाए, आप खड़े हो जाएंगे, अरे उंड्रू पुंड्रू में पोहा कहां से आ गया? आप सोचेंगे ना, भाई इडली डोसा में पोहा कहां से आ गया? आप सोचने लगेंगे, जरूर कोई एमपी का यहां पर है। उसी प्रकार लंका में हनुमान जी को तुलसी जी दिखाई पड़ी, धनुष बाण दिखाई पड़ा, हनुमान जी खड़े हो गए, राक्षसों के बीच में भगत जी कहां से आ गए? अभी हनुमान जी मन में तर्क कर ही रहे थे, ते ही समय विभीषण जागा। ठीक उसी समय श्री विभीषण जी महाराज घर के भीतर जगे, हम कहते जगे नहीं जगाए गए, जगे नहीं क्या किए गए? जगाए गए। किसने जगाया? किसने जगाया? हनुमान जी ने, राम जी ने जगाया, भगवान ने जगाया। प्रश्न है 5 मिनट पहले क्यों नहीं जगे, 5 मिनट बाद क्यों नहीं जगे? क्या हनुमान जी को उनके गुड मॉर्निंग का टाइम पता था कि उसी समय पहुंच गए? ऐसा तो था नहीं। हनुमान जी जब पहुंचे घर के बाहर तभी क्यों जगे?
जगे नहीं जगाए गए, भगवान ने जगाया। क्यों? श्री हनुमान जी से परिचय कराना था, इसलिए भगवान ने विभीषण जी को जगाया। प्रसंग कहता है, भगवान के कार्य में, परमार्थ के कार्य में, सत्कर्म में, धर्म के कार्य में यदि आप अकेले भी चलेंगे तो भगवान समय समय पर आपकी सहायता करने के लिए लोगों को जोड़ते जाएंगे और आप कार्य पूर्ण कर लेंगे। आपको चलना पड़ेगा। लेकिन विभीषण जी जगे, जगने के बाद क्या किए? राम राम बोले, चाय चाय नहीं बोले, क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन की। एक दिन मैं सोच रहा था, ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि विभीषण जी कोई 2 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं होंगे, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं होंगे। उनका अपना महल होगा, महल के बाहर गार्डन होगा, गार्डन के बाहर बाउंड्री वॉल होगा, अब बाउंड्री वॉल के बाहर सड़क पर हनुमान जी महाराज होंगे, भीतर तो जा नहीं सकते। हो सकता है बाउंड्री वॉल छोटा छोटा हो, तभी हनुमान जी देख लिए भीतर में, धनुष बाण दिखाई पड़ गया, तुलसी जी का बाग दिखाई पड़ गया। अब महल के भीतर कहीं विभीषण जी का बेडरूम होगा, अब बेडरूम के भीतर बड़का बेडरूम होगा अटैच्ड, अब बेडरूम के कोने में कहीं उनका बेड लगा होगा, बेड पर वो जगे होंगे। अब उतना भीतर जगने के बाद कोई राम राम ऐसे बोलेगा तो सड़क पर खड़े किसी व्यक्ति को सुनाई देगा? हनुमान जी कैसे सुन लिए? ऐसा प्रतीत होता है कि और दिन विभीषण जी भले धीरे धीरे बोलते होंगे, लेकिन उस दिन भगवान ने जगाया और भगवान ने ऐसी चूड़ी टाइट की उनकी कि आज वो जोर से बोले राम राम। इतना जोर बोले कि बाहर खड़े हनुमान जी सुन लिए। हनुमान जी सुने तो कहे, अरे तो भगत नहीं, तो अपनी पार्टी वाले भगत है, राम राम बोल रहे हैं, इनसे पहचान करूंगा। क्यों? साधु ते हो नकारज हानि। साधु कौन? जो कभी किसी की हानि न करे वो साधु है। हनुमान जी कहे साधु हैं, इनसे नुकसान नहीं होगा, यही सन्ना हट्टी करी हूं पहचाने। अब पहचान कैसे होगा? तो हनुमान जी सोचे, ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं भी राम राम गाऊं तो इनको अच्छा लगेगा सुनकर। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। जैसे श्री हनुमान जी महाराज विप्र रूप धरि वचन सुनत विभीषण उठित, विभीषण जी महाराज श्री राम जय राम सुने तो चौंक गए। क्यों चौंक गए? पूरी लंका में राम राम जपने का लाइसेंस केवल विभीषण जी के पास था, सिंगल लाइसेंस इशू हुआ था लंका में विभीषण जी के नाम से, वो भी टर्म कंडीशन के साथ। क्या कंडीशन दिया गया विभीषण जी को? जो भी कीर्तन करना है, जप करना है, महल के भीतर करोगे, बाहर नहीं करोगे कुछ भी, तुम बाहर कोई यात्रा नहीं निकालोगे, शोभा यात्रा,
रामनवमी के दिन जुलूस नहीं निकलेगा। हाँ, महल के भीतर जो करना है करो, नाम जपो, किसी को चेला नहीं बनाओगे, किसी को मंत्र नहीं दोगे, अकेले जपोगे। विभीषण जी सुने, मुझको छोड़कर सड़क पर राम राम खुलियाम, लगता है कोई जरूर विदेशी आया है, उसको लंका का रूल रेगुलेशन नहीं मालूम। विभीषण जी दौड़ कर बाहर आए, ब्राह्मण का रूप दिखाई पड़ा, प्रणाम किए। आप किसी से मिलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रणाम करके उसका नाम पूछेंगे, कहां से आए हैं ये पूछेंगे। विभीषण जी कुछ नहीं पूछे, करी प्रणाम, पूछी कुशला। बोले नाम वाम बाद में पहले ही बताइए, आप ठीक ठाक हैं ब्राह्मण देवता। हनुमान जी बोले क्यों। विभीषण जी बोले लंका में राम राम कहने का लाइसेंस केवल मेरे पास है, आप खुलियाम राम राम गा रहे हैं, यहाँ बहुत पिटाई होती है राम बोलने पर, किसी ने आपको मारा वारा नहीं ना, ठीक है ना आप। हनुमान जी बोले पीछे दो लोगों को अपना लाइसेंस दिखाया हूं मैं, लाइसेंस मेरे पास भी है, दो लोगों को दिखा के आया हूं, एक को समुद्र में दिखाया था तो मर गई, और दूसरकी को थोड़ा धीरे से दिखाया था मेन गेट पर, तो वो लाइसेंस मेरा देख ली, ओके है, तभी हमको भीतर भेजी है। विभीषण जी बोले इतना निर्भय, ये कोई सामान्य जीव नहीं हो सकते हैं। विभीषण जी महाराज हाथ जोड़कर पूछे कि तुम हरि दासन महको मोरे हृदय प्रीति अति हो। मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, क्या आप भगवान के कोई भक्त हैं। हनुमान जी मौन, विभीषण जी बोले भक्त नहीं है तो कहीं कि तुम राम दीन अनुरागी आए हो मोहि करण बड़ भागी। कहीं आप साक्षात प्रभु श्री राम तो नहीं आ गए हैं मुझे कृतार्थ करने के लिए यहां पर। श्री हनुमान जी देखे कि विभीषण जी गलत दिशा में जा रहे हैं, जीव को जगदीश समझ रहे हैं। जब हनुमान जी पर भगवान का स्वरूप का परिचय पूछा विभीषण जी महाराज ने, तब हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं सावधान सावधान, क्या बोल रहे हैं आप, जो समझ रहे हो हम नहीं है। तब हनुमंत कही सब राम कथा, फिर निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण ग्राम। श्री हनुमान जी ने अपना परिचय देने से पहले भगवान की पूरी कथा सुनाई। ये प्रसंग कहता है अपने बारे में बताने से बचा जाए, हम फलाना हैं, हम डिमका हैं, हम तोप हैं, तोप हैं तो किसी दिन फट जाइएगा। कई लोग कहते हैं हम तो बम हैं, कब फटेंगे आप, बम है तो अपने बारे में ना बताइए, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से अपना पुण्य समाप्त तो होता है, अपने बारे में न बताइए। यहां हनुमान जी ने परिचय दिया तो अपना परिचय नहीं दिया सीधे, पहले भगवान की पूरी कथा सुनाई, और पूरी कथा सुनाने के बाद कहा मैं उन्हीं प्रभु श्री राम जी का दूत हूं, आप भक्त कह रहे थे, मैं भक्त नहीं बन पाया हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विनय पत्रिका में भगवान से, प्रभु कबहू कि हूं यह रहनी रहो, क्या मैं संत की रहनी कभी रह पाऊंगा। प्रभु गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं संत नहीं हूं, क्या कभी संतत्व का वर्ण कर सकूंगा। यहां हम लोग न जाने कौन कौन उपाधि लगा के बैठे हैं,
राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय एक तो बहुराष्ट्रीय हमको मिले। सोचे राष्ट्रीय बहुत हो गया है, बहुराष्ट्रीय कोई नहीं है। ये हैं वो हैं न जाने कितने नाम है। वो हनुमान जी की भाषा सुनिए। विभीषण जी से परिचय हुआ। विभीषण जी ने कहा कि क्या कभी मेरे पर भगवान कृपा करेंगे। श्री हनुमान जी बोले आप मुझे देखिए पहले। कहो कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधि। देखिए एक शब्द है चंचलता। चंचलता बच्चे का आभूषण है लेकिन बड़े का ये दूषण है, आभूषण नहीं है। बच्चे की चंचलता अच्छी लगती है। बच्चा एक स्थान पर बैठा रहे शोभा नहीं देता। बच्चे यहां रहते हैं दौड़कर वहां रहते हैं, फिर वहां मिलेंगे फिर पीछे मिलेंगे, नाचेंगे बैठेंगे, ये शोभा है उनकी। लेकिन बड़ा आदमी यदि उछल कूद करने लगे तो ये उसका दोष कहलाता है। बड़े को गंभीर होना चाहिए, धीर होना चाहिए। हनुमान जी बोले हम कपि हैं, चंचल हैं, सब प्रकार से हीन हैं। और तो और कहिए प्रातः काल जो वानर कह दे दिन भर भोजन नहीं मिलता। सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले ले उसको भोजन नहीं मिलता। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। ये बात हनुमान जी ने क्यों कही कि प्रातः काल जो नाम ले लेगा उसको भोजन नहीं मिलेगा? क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी ने क्यों कहा ऐसा? हनुमान जी भगत हैं। हनुमान जी कहते हैं हमारा नाम लोगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा। हनुमान जी चाहते हैं कि जितने संसार के भक्त हैं वो प्रातः काल हनुमान का नाम न ले, वो प्रातः काल मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेते रहे। इसलिए कहते हैं मेरा नाम लोगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा, भगवान का नाम लो। हनुमान जी महाराज अपने को बोले असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघु कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचननी। हनुमान जी कहते मेरे जैसे अधम पर भी, हनुमान जी अपने को अधम कह रहे हैं, हम अपने को संत घोषित करके बैठे हैं। कितना अंतर है वो। हनुमान जी अधम कहे अपने आप को, मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की करुणा बरस रही है। भगवान के इस स्वभाव का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, भरे बिलोचन नीर। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी से अशोक वाटिका में जाने की युक्ति पूछी और वही छोटा रूप धारण करके जिस वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठी थी ऊपर जाके पत्तों में छिप के बैठ गए। विचार करने लगे क्या करूं। उसी समय रावण आया और आकर रावण ने मेरी माँ को अनेक प्रकार से डराया धमकाया। सीता मैया से कहता है एक बार देख लो मुझे, बस माँ देखती नहीं है। तिनके की ओर आड़ में आकर माँ ने कहा अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही, तूने एकांत में मेरा हरण किया है रावण। वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे लेके आता। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उन सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। ए रावण सुना मैं खद्योत, निकाला तलवार बोला गर्दन काट दूंगा। मंदोदरी जी ने रोका रावण को, उचित नहीं होगा ये। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि समझाना सीता को, एक मास में मेरी बात नहीं मानेगी इस चंद्रहास खड़ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा के रावण गया। जितनी राक्षसियां थी सब त्रिजटा जी से बोली चलो सीता को समझाया जाए।
त्रिष्ठा जी बोली बाद में, पहले मैं जो बता रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने रावण के आने के पहले भोर बेला में सपना देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जा तु धान सेना सब मारी, जा तु धान सेना सब मारी, खर आरोहन गन दस सीसा, खर आरोहन गन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिस गारी, एहि विधि सो दक्षिण दिस जाय, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, नगर फिरे रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी, हो ही सत्य गए दिन चारी, हो ही सत्य गए दिन चारी, हो ही सत्य गए दिन चारी। त्रिष्ठा जी ने कहा, मैंने भोर बेला में सपना देखा है, एक वानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के दसों सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी बीसों भुजाएं कट गई, नंगा होके रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है, विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम का जय जयकार हो रहा है। और एक बात बोलूं, चार दिन के भीतर सत्य होने वाला है, ऐसा नहीं हो ही सत्य गए दिन चारी, दिन चारी अर्थात दिन में चलने वाले सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, इनके जाने के बाद आज रात में ये सपना सही होने वाला है। क्या सपना है? बानर ने लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, हनुमान जी ऊपर बैठे सुने, मन में सोचे राम जी ने एक काम कहा था सीता जी को देख कर आने के लिए, जामवंत जी ने भी एक काम कहा सीता जी को देख के आने के लिए, ये कह रही है बानर लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी सोचे लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है, तो मेरे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिलवाया है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं प्रभु, इसमें से मैं आग वाला काम कर दूंगा, राक्षसों को मारने वाला कर दूंगा, और रावण वाला जामवंत जी मना किए हैं, बोले थे डोंट टच हिम, तो रावण वाला डिपार्टमेंट राम जी आप संभालिएगा, बाकी सब मैं करके आऊंगा।